जादू, ये कौन है? ये एक असुर है। असुर? कौन सा असुर? कली। क्या नाम? क्या नाम? निखिल नायर सर। नाइस टू मीट यू निखिल नायर। ऐसे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत डीप मेडिकल नॉलेज चाहिए। इट्स अ ब्लडी सेटअप। पर आपका भी तो हो सकता है। मैंने डीजे सर का फोन चेक किया है, इट्स क्लीन। अबे तू चूतिया गया है क्या? क्या क्या रहा है? डीजे सर ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया खुद। मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। वेयर इज माय हस्बैंड? ही इज मिसिंग। धर्म और परिवार की रक्षा के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। किसकी रक्षा करोगे, अपने परिवार की या मेरे धर्म की? तुम जो बोलोगे मैं करूँ। इसके किलिंग का तरीका और क्राइम सीन का मैनेजमेंट मिटिक्युलस है। सारे विक्टिम्स में एक ही चीज कॉमन है, ये लोग सिर्फ अच्छे भले लोग हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि ये इन अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। और वो तो कली, जिसको मारने के लिए कल्कि इस युग में अवतार लेगा। वो चैलेंज कर रहा है कल्कि को जन्म लेने के लिए। अंत अस्थि प्रारंभ। पीड़ा देना तो ईश्वर का काम, मैं बस मुक्ति देता हूँ। Studied this guy. He's well planned, well timed. सब रिसर्च करके कर रहा है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तो अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तुम्हें केसर पे डाउट क्यों? केसर का बर्थ सर्टिफिकेट फेक है। केसर का कोई फैमिली रिकॉर्ड ही नहीं है। ये शुभ है। और सुजस कहाँ? बस अपने पापों का प्रायश्चित कर लो और बचा लो लोगों को। 10 साल पहले इसके खिलाफ मैंने प्रूफ फैब्रिकेट किया था, क्योंकि उसने अपने बाप का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। फेक विटनेस, फेक बर्थ सर्टिफिकेट, क्राइम्स हो। शायद एक दिन तुम समझ पाओगे। शायद, पर ये मेरा वादा, आप एक दिन जरूर समझेंगे। अगले एक मिनट में निर्णय करो। रिया या फिर ये तीन? रिया। तथास्तु। अब तक जो हुआ है और आगे जो होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। Fucking bastard! के तो बचपन में भी चूतिया था, अभी भी हमने सीरियल किलिंग के मास्टरमाइंड शुभ जोशी को पकड़ लिया। धनंजय राजपूत सस्पेंडेड रहेंगे जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती।